हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास एक नई गाड़ी टाटा इंडिगा पेट्रोल, नहीं मतलब नई नई जूनी चे, लेकिन एक नए वीडियो के साथ, नए का प्रॉब्लम के साथ नया गाड़ी है मेरे लिए। तो इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं आया था फ्रेंड्स, और ये गाड़ी पे इतना देर खेलाना फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बोलूँ। क्योंकि कोई कोई गाड़ी सताती है और इतना सताती है ना, रोने को आता है। लेकिन ये गाड़ी के ऊपर मैंने ना कम से कम मैंने 4 घंटे खेला है। मैंने 4 घंटे 8 बजे से स्टार्ट किया मैं इसको, सुबह भी एक बार चक्कर मारा, सुबह 2 घंटा खेला, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। फिर मैं अभी रात को मैं वीडियो बना रहा, और काम भी रात को कर रहा था, क्योंकि मैं बोला सुबह तक क्यों ना हो प्रॉब्लम सॉल्व करके रहने का। अपने को क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली डिटेक्ट तो होना चाहिए, ईसीयू गया, रिले गया, क्या गया। क्योंकि कस्टमर के पास गाड़ी थी और चालू था, और एक बार ऐसा घर पे लगाया तो वापस चालू ही नहीं हो रहा। तो उन्होंने स्टार्टर मारा, ये मारा, बैटरी वालों को दिखाया, नहीं हुआ। फिर पेट्रोल डाले, पेट्रोल से भी नहीं हो रहा है। फिर उस सब छोटे छोटे इलेक्ट्रिशियन गए उधर, फ्यूज भी चेक किया, वो भी सब ओके बता रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको। तो डायरेक्ट कर रहे तो भी डायरेक्ट भी नहीं हो रहा चालू। तो उसके बाद बहुत से लोगों ने खेला इसके ऊपर, तो ईसीयू का लाइट भी गायब हो गया इसका, ईसीयू का। तो ईसीयू का लाइट गायब होने से कैसे भी चालू नहीं होता। फिर उन्होंने टोचन करके गैरेज पे लाया, गैरेज पे भी 4 दिन खेले। तो 4 दिन से खेल रहे थे, 4 दिन से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। और बहुत से लोगों ने बोला टोचन करके लाना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा। तो मैं भी आया, मैं भी इधर 4 घंटे खेला। मतलब मैं बोला प्रॉब्लम क्यों नहीं मिल रहा, इसका वायरिंग, ये वो, फ्यूज, इधर से वो लाइन सब चेक किया। लास्ट में इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को साथ शेयर करने वाला, तो वीडियो यूजफुल रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को फ्रेंड्स। और मैं चलिए दिखाता हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, मैं पीछे से दिखाता हूँ इसका क्या क्या खोला है। यहाँ से लेके कि कौन सा वायरिंग का प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम है, देखने के लिए ना इसका सब खोला। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ, क्योंकि गाड़ी में चूहा भी था तो उनको डाउट आ रहा था कि चूहे ने कुछ तो किया है बोल के। सब वायरिंग इन्होंने चेक किया खोल के, इधर का उधर का। इधर देखिए चूहे के निशान है। अभी पेट्रोल गाड़ी मतलब आप समझ सकते हैं कि कभी की मॉडल है, फिर भी इतना ये सब खोल के भी, सीट बीट सब वायरिंग खोल के भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। ये देखिए क्या क्या खोल दिया इसका, पूरा सब खोल दिया, सीट बीट, नीचे वायरिंग वीरिंग। ये देखिए क्या क्या कट हो गया, रिले का, फ्यूज का, सब। तो लास्ट में उनको प्रॉब्लम मिला नहीं। तो वापस मैं आके इधर खेला, जब 4 घंटे खेला तो उसके बाद मेरे को प्रॉब्लम मिला फ्रेंड्स। और प्रॉब्लम बहुत सा छोटा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम खोते पहाड़ है लेकिन निकलता चूहा है। तो सेम इसका भी प्रॉब्लम ऐसे था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो इसका चेक इंजन नहीं आ रहा था, जो कि अभी चेक इंजन मैंने लेके आया। और फ्यूल पंप भी नहीं चल रहा था, इसका फ्यूल पंप भी ऑन हो गया, चेक इंजन भी आ गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। ये देखिए, तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इधर, ये पेट्रोल इंजन है। आपको तो पता ही रहेगा, आप लोग मैकेनिक हो, टेक्नीशियन हो, आपको पता चल जाएगा ये। ये देखिए इसका भी इधर वायरिंग सबसे ज़्यादा इधर ही प्रॉब्लम हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो ये फ्यूज़ में करंट नहीं आ रहा था, ये फ्यूज़ में भी करंट नहीं आ रहा था। खेल खेल के परेशान हो गए फ्रेंड्स। लास्ट को मैंने इसका 2 प्रॉब्लम मिला। एक प्रॉब्लम छोटा सा था, ये जो रिले है, ये देखिए, ये रिले ना उल्टा डाल दिया, इधर का रिले इधर डाल दिया और इधर का रिले इधर डाल दिया, जिसके वजह से क्या हो गया, पेट्रोल ख़त्म हो गया था सबसे पहले, तो उन्होंने रिले उल्टा फुल्टा करके लगा दिया। तो रिले उल्टा फुल्टा लगाने से ये क्या हो गया, ये देखिए, ये जो डायोड आता है इसको आपको पता रहेगा, क्योंकि इससे चेक इंजन लाइट लगती है। क्योंकि ये देखिए, ये डायोड मैंने छोटा सा मतलब बाहर से टेम्पररी बिठाया, क्योंकि मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जल गया है। ये देखिए ये डायोड जल गया। ये डायोड जलने की वजह से क्या हो गया, ईसीयू का डिस्कनेक्ट हो गया। और उन्होंने ईसीयू लाने के लिए रिले उल्टा फुल्टा किया, ये किया, वो किया, हो रहा ही नहीं। मैं भी आया तो बहुत देर खेला, मेरे को समझ में नहीं आया। फिर मैं बोला इसका आउटपुट इनपुट मैंने चेक किया, जब 3 घंटा इसके ऊपर खेला तब जाके मेरे को समझ में आया। क्योंकि इस पर जो लिखेला है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर पावर रिले जो लिखा है नो 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 बोल के, वो एक्चुअली है ना व्हाइट वाला है। ये देखिए आप देख सकते,
तीनों ने क्या किया था, ये उल्टा कर दिया, ओ एन ओ ई एन वाला रिले इधर बिठा दिया था, और टाटा का ये ओरिजिनल रिले और उधर लिखा है टाटा का, ये देखिए मेन रिले मेक टाटा मोटर्स। ये रिले के वजह से इतना लपड़ा हो गया है, दो रिले मैच नहीं हो रहे थे, क्योंकि ये आप लोग देखिए दोनों रिले सेम दिखते हैं लेकिन नीचे से काम अलग रहते। मैं इसको निकलता हूँ, ये देखिए नीचे से काम अलग रहता, मतलब अलग अलग काम करते ये। देखिए ये दूसरा ओ एन रिले तो मेन रिले रहता, और जब दोनों को मैंने मैच कर रहे हैं और ये डायोड डाल दिया तो गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। स्टार्टर मार भाई आएगा, ये देखिए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्टर मार के देखेंगे। ये देखिए चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ हमको ये डालना पड़ेगा। रिले तो मैंने सेटिंग कर दिया, क्योंकि जो चूना रिले था ये वाला, ये रिले भी शॉर्ट सर्किट था, इसके वजह से भी पता नहीं चल रहा था। तो ये रिले भी मैंने ये वाला एक दूसरे गाड़ी का डाल के देखा है, और ये दोनों सेटअप कर दिए, एक रिले डालना पड़ेगा और ये डायोड डालना पड़ेगा हमको, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से भी रेस करके। ये देखिए चेक इंजन लग रहा है, लेकिन वो जाएगा आएगा उसका कुछ लेन देन है, एटलीस्ट गाड़ी चालू हो गया तो कस्टमर को ये तो बहुत खुशी है। हम लोग देखेंगे अभी, डायग्नोस्टिक किट भी मेरे पास, अगर जमा तो वो भी लगा के देखेंगे एरर क्या आता है, डिलीट होता है क्या, ये चेक इंजन जाता है क्या। ये मेरे पास डायग्नोस्टिक किट है जो आपको मैंने पहले भी बता दिया था, ओ बी डी वाईफाई वाला है, ब्लूटूथ वाला नहीं है, ये कनेक्ट होता है ये पेट्रोल गाड़ी में। हम लोग अभी मैं स्क्रीन वीडियो निकलता हूँ, मतलब स्क्रीन वीडियो बोलते हैं ना वो निकलता हूँ। चलिए ये मेरी स्क्रीन है, ये कार स्कैनर बोल के मैंने डाउनलोड किया है, इसको देखिए आप ये कनेक्ट करना है, ये कनेक्ट हो रहा है, ये हो गया कनेक्ट। हम लोग अभी इसमें ये सब डाटा आते हैं, देखिए डैशबोर्ड लाइव ऑल सेंसर डायग्नोस्टिक कोड फ्रीजिंग ये सब बहुत कुछ रहता है, लेकिन अपने को मेन डायग्नोस्टिक कोड एक ही मांगता है, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और रीड, और नीचे भी रीड है, ये देखिए ये रीड करेगा। अब ये चेक इंजन का, ये देखिए P0444 P0202 ये सब एरर आ रहे हैं, ये सब एरर आप देख सकते हैं क्या, इग्निशन कॉइल का आ रहा है, कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर का आ रहा है, ऑक्सीजन सेंसर, इंजेक्टर 1 इंजेक्टर 4 इंजेक्टर 3, ये सब हम लोग डिलीट करके देखेंगे होता है क्या, क्लियर करेंगे DTS से, क्लियर ओनली फाउंड DTS क्लियर। वापस इसको रीड करते देखेंगे कितना कंफर्म आ रहा है जा रहा है, क्योंकि बहुत से बार ये डायग्नोस्टिक पे होता ही नहीं। अच्छा बहुत अच्छा हो गया, नो DTC फाउंड, इफ बिलीव दैट आर देयर कोड्स यू कैन ट्राई यूजिंग डिफरेंट स्कैनर, बोल रहा है देखो एक बार अगर होता है क्या, वापस एक बार चेक करेंगे। चलिए नो बता रहा है, चलिए स्टार्टर मार के देखते हैं अब एरर क्लियर किया हमने, जाता है क्या चेक इंजन। अरे वाह चेक इंजन चला गया, देखिए टेंशन ही नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने एरर क्लियर किया, इससे पहले चेक इंजन आ रहा था, अभी एरर भी चला गया, चेक इंजन भी चला गया, और गाड़ी अच्छा रेस भी हो रहा है, देखेंगे रेस करके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा ब्लूटूथ वाईफाई OBD कनेक्ट हो रहा है, इसको निकाल देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोग को बताना कैसा लगा वीडियो, सीखने को कुछ मिला क्या। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे को फॉलो करना, लाइक करना, इंस्टाग्राम पर भी मेरे को फॉलो करना फ्रेंड्स, और मेरे वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो लोग मैकेनिक है, कस्टमर है, जिनके पास गाड़ी है, जो सीखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ बीच बीच में, तो सपोर्ट करना फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।